अस्सलाम वालेकुम, मैं मोदली पंजवानी मार्केट क्लोजिंग डेटा के साथ लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज बरोज जुमेरात 9 सितंबर, कारोबारी हफ्ते का चौथा दिन था। 3 दिन से हम देखें मुसलसल तो मार्केट जो है वो एक बेरिश जोन पे एंटर हो चुकी है। इससे पहले हम एक्टिविटी देखें तो 11 जुलाई को हमने आपसे कहा था कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखें, क्योंकि 11 जुलाई से मार्केट जो है उसने बुल ट्रैप बनाना शुरू कर दिया था। 48,100 ऊपर का लेवल था और 46,900 नीचे का लेवल था, और मार्केट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा यानी चीज़ें थी, मामला थे, उतने मज़े वाले नहीं थे, और इसलिए हमने सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी आपसे कही थी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहें। और थर्ड डेयर सेकेंड डेयर स्टॉक्स जो है पैनी स्टॉक्स है उनमें एक्टिविटी ज़्यादा विटनेस हो रही थी। जो मेन ब्लू चिप स्टॉक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म थे और उनमें सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। उसमें जो मेन अगर हम देखें तो MSCI का जो रिव्यू है, इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट का जो रिव्यू है, उस वजह से फॉरेन कॉर्पोरेट्स का मेजर सेलिंग हमने विटनेस की। टेक्निकल एस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो जो अभी भी डलिश मोमेंटम है मार्केट, आप देखें ओवरऑल नीचे की तरफ ही है। तकरीबन 300 पॉइंट का लूज़ किए हैं मार्केट ने इस हफ्ते, पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते मार्केट ने तकरीबन 300 पॉइंट की मार्केट में यानी करेक्शन हमने विटनेस की है। मार्केट जो है वो उसका बहुत अच्छा सपोर्ट, बहुत VIP सपोर्ट जो हमें नज़र आ रहा है वो 45,735 का है। वहाँ पर आके जो मामला हैं अभी, जो करंट मामला चल रहे हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो मामला थोड़े सॉर्ट आउट होते हुए लग रहे हैं। इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, मार्केट क्यों नहीं बढ़ पा रही है, उसकी सबसे बड़ी जो वजूहात में से वजूहात है यानी वजह है वो है हमारा MTS और MFS जो है उसकी यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुई है और काफ़ी टाइम से वो चीज़ें चल रही हैं। एक अच्छी रैली बनाई थी मार्केट ने और प्री बजट रैली बहुत अच्छी चली थी। इसके बाद एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि मार्केट मज़ीद फर्दर जो है वो ऊपर जाएगी, और उसका मेन जो रीज़न थी वो हमारा जो बजट जिस हिसाब से फाइनलाइज हुआ और जिस हिसाब से अनाउंस हुआ, प्रपोज्ड हुआ, और जिस हिसाब से बजट जो है वो पास हुआ, तो यानी ओवरऑल यानी हर हल्के में यही यानी पॉजिटिविटी थी कि मार्केट जो है यहाँ से फर्दर तेज़ जाएगी। लेकिन मार्केट जो है उसके हम कुछ मामला थोड़े बिगड़ते हुए हमें नज़र आए, उसमें थोड़े बहुत जो है ये ना ये लेवरेज प्रोडक्ट्स की यूटिलाइजेशन हमें ज़्यादा नज़र आई। अब जो है आज की तारीख से हम जो है वो बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी आपको यानी अप्लाई करने का कहेंगे कि जहाँ मौका मिले बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ काम करें। मार्केट जो है वो मैक्सिमम यहाँ से 45,735 तक जा सकती है, और यानी वहाँ से मार्केट जो है बहुत अच्छा एक बुल रन ले सकती है, और इंशाल्लाह ताला दिसंबर के महीने में हम जो है वो PSX का एक नया इंडेक्स रकम होते हुए देखेंगे। जो टेक्निकल डेटा के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट अभी भी बेरिश जोन पर है। डेटा आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दिया जाता है जिसमें मार्केट का सपोर्ट, मार्केट का करंट इंडेक्स PE रेशियो वो आपको बताया जाता है। मार्केट का करंट इंडेक्स 46,625 पर है, मार्केट ने 228 पॉइंट गेन किए हैं। मार्केट की पिछली क्लोजिंग 46,396 पर थी। PE रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 6.86 का है। एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो 11.5 का है, अब तक का रिटर्न अगर हम देखें तो 6.56 का है। मार्केट का पहला सपोर्ट 46,492 पर है, मार्केट का दूसरा सपोर्ट 45,945 पर है। मार्केट का पहला रेजिस्टेंस 46,841 पर है, जबकि दूसरा रेजिस्टेंस 47,402 पर है। एडवांसर डिक्लाइनर का डेटा इस मुताबिक है, TRG ने 53 पॉइंट ऐड कराए हैं, इसके बरक्स अगर हम देखें तो EPCL ने 54 पॉइंट लूज कराए हैं। इसके साथ साथ हम देखें तो आज अक्टूबर की बुक बिल्डिंग का फर्स्ट डे था और काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग जो रिस्पॉन्स मिला है अक्टूबर IPO को, 6 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, 2,70,00,000 शेयर ऑफर हुए थे, और जो बाइंग आई है वो तकरीबन 16 करोड़ शेयर्स की आई है, तो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। अभी कल का एक और दिन है, लास्ट डे है, और मुझे जो लग रहा है कि ये अब तक का बेस्ट IPO यानी बनता हुआ लग रहा है, बुक बिल्डिंग बनती हुई लग रही है, और काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आई है इसमें। और इसकी हमने एक और एक्टिविटी देखी कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है AVN, उस पर भी आज जो है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दी है। AVN इंशाल्लाह अगर हम देखें तो आगे जाके MSCI में जो 4 नई कंपनियाँ इंक्लूड होने जा रही हैं उसमें AVN जो है वो टॉप कंटेंडर बनता हुआ लग रहा है, तो AVN जो है उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है। ये था मार्केट का करंट डेटा। स्टॉक मार्केट से मुतालिक मजीद मालूमात और अपडेट के लिए जुड़े रहिए तावानी पंजानी ग्रुप के साथ।